दोस्तों, हम इस वक्त काजा रोड में हैं और सड़कों के हालात वैसे ही हैं जैसे अक्सर देखने को मिलता है। ना अभी कोई सुधार हुआ है, ना शायद अभी आगे होने की उम्मीदें हम कर सकते हैं। बस उसी तरह सफ़र जारी करते रहें। रास्तों के जो हालात हैं वो मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। लोग रिस्क ले रहे हैं, दे आर टेकिंग रिस्क यार। ऐसे में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों यहाँ सफ़र ना किया जाए। मुझे आज काजा पहुँचना है और रास्ते ऐसे हैं कि काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं और जगह जगह पानी आ चुका है। देखो ना, ये झरने कितने भयंकर रूप धारण कर चुके हैं और ट्रैफिक भी रुका हुआ है यहाँ पर। इन दिनों ड्राइव करना भी इतना आसान नहीं है, चाहे मौसम साफ हो चाहे खराब हो। दोनों हालात में पानी सड़क पे आ ही जाते हैं और सड़क के हालात ऐसे हैं कि बाइकर्स को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब मौसम साफ हो तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और दोपहर आते आते सड़क पे पानी भर जाता है, जिससे चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही यहाँ ड्राइव करना भी इतना आसान नहीं रहता क्या हो है। गया? कहाँ से आए हो? बर्फीले पानी में चलना इतना आसान भी नहीं है। ये आपके शरीर को तकलीफ़ पहुंचा सकती है और आप बीमार भी हो सकते हैं। फिर भी अब मरता क्या ना करता, वही कहावत सामने दिख रहा है। यहाँ काफ़ी बाइकर्स भी यहाँ फंसे हुए थे क्योंकि पानी देखो जिप्सी के मेरे चेसी तक पहुँच चुका है और एक दूसरे का हाथ थामे ये लोग पानी में फंसे पड़े हैं। साथ में इनके बाइकें भी हैं। अब इनके बाइकों को क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। हमारी कोशिश थी कि ये किसी तरह निकल जाएं और हमने अपनी जिप्सी को पानी के बहाव की तरफ रखा और दूसरी तरफ इन्हें निकलने दिया और इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 7 से 8 बाइकें उस पार हमने पहुंचा दिया और इन्होंने हमें बताया कि लगभग सुबह से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और पानी का बहाव देखकर डर चुके थे, जिस कारण ये बाइक पार करने से घबरा रहे थे। विशाल, इसी गाड़ी एडजस्ट करा दो। इसी गाड़ी पहले थोड़ा आगे आ जाइए। इन्हें इस तरह पानी से क्रॉस करने में काफ़ी कठिनाई हमें आ रही थी, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हमने मिलकर इन सब राइडर्स को पानी के दूसरे छोर तक पहुंचा दिया। इनमें से एक ऐसे राइडर थे जो बॉम्बे से आए थे और लगभग यहाँ वो उनके अनुसार सुबह सुबह से वो यहाँ पर फंसे हैं और उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पा रहा था और वो काफ़ी घबराए भी हुए थे। और किसी तरह हमने उनके बाइक को उस पार किया और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आए। Two of the angels who came specially for me at I don't remember the place name but some Bathal yeah near the Bathal from there I have got till here and I'm feeling very lucky enough to reach Manali. You have forgotten my name? No, Mr. Prem Thakur and ma'am name is Kalpana Thakur. Yeah. That's very sweet of you. The same with you, sir. So, God bless you. इन्हें सुरक्षित ग्रम्फू तक पहुंचाने के पश्चात हम फिर वापस लौटे और काजा की तरफ अपना सफ़र जारी किया। ग्रम्फू काजा मार्ग ये अपने आप में एक अनोखा मार्ग है जो एडवेंचर से भरा भी है। किसी के लिए ये तकलीफ़ का मार्ग है, किसी के लिए ये ऑफ रोडिंग का सबसे बढ़िया विकल्प है। इस मार्ग की कई कहानियाँ हैं और कई गाथाएँ भी हैं, कई तकलीफ़ों भरे हैं, कई आनंदित करने वाले हैं। और
मैं तो इतना ही कहूँगा, जब भी आप इस मार्ग पर चलें अपना ध्यान रखें, सुरक्षा सबसे पहले, आनंद या जोखिम उसके पश्चात। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।